अनुदिना अनुदीना अनुक्षण मन कलियो कलिकली जो गूडी कौना सत्योण नम हम क्लास नली yes, sir. Yes, teacher. <laughs> बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गवाही दे रही है यकताई पे ज़ात उसकी गवाही दे रही है यकताई पे ज़ात उसकी दुई के सब नक्श झूठे सच्चा एक नाम उसका अस्सलामुअलैकुम। अजीज़ तलबा तालिबात मैं अस्मा आलम मौविन मौलेमा, गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल, हुडगी तालुका हमनाबाद ज़िला बदर आपसे मुखातिब हूँ अजीज़ तलबा तालिबात आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस क्लास से मुस्तफीद होंगे अज़ीज़ तलबा तलबात पिछली क्लास में जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती का आधा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं आधा हिस्सा इनशाला अब हम पढ़ेंगे ये एक जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती सबक की ये आखिरी नशस्त है जमात दहम की निसाबी किताब का सबक नंबर छः का ये दूसरा हिस्सा है आप तमाम जो है कॉपी के साथ तैयार रहिए। है गुज्त क्लास में हमने कौन कौन से वाकयात पढ़े थे इस सबक से वो देखेंगे अब मोहम्मद रफ़ी अंसारी का तारुफ पढ़े थे इसके अलावा अहमदनगर की जेल से इंदिरा को लिखे गए ख़त का जिक्र था जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर की जेल से इंदिरा को ख़ लिखा था उसका जिक्र हम पढ़ चुके हैं इसके अलावा कमला नेहरू के उर्दू से शगफ़ का भी ज़िक्र हम पढ़ चुके हैं और इसके अलावा नेहरू की जेल यात्रा के दौरान फ़राख की शायरी का हाल सुनकर नेहरू का जो ज़रीफ़ाना जवाब था वो भी हम पढ़े हैं जवाहरलाल नेहरू के नाम के तीनों अल्फाज का जिक्र ये भी पढ़ चुके हैं इसके अलावा सेठ गोविंदाज को नेहरू का तुर्की बुर्की जवाब देने का वाक़ भी हम पढ़ चुके हैं अजीज तलबा तलबात अब सबक का आखिरी हिस्सा हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू अदीबों और शायरों से बहुत करीब थे ख़ास तौर पर उर्दू के शायरों और अदीबों की बहुत इज्जत किया करते थे जोश मली आबादी से तो उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी जोश मली आबादी उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर हैं कलाम शायर हैं उन्हें कलाम पर खुदरत थी उर्दू उनका शुमार उर्दू के मशहूर नज़म व शरा में होता है उन्हें शायर इनलाब भी कहा जाता है तो जोश मली आबादी जिनका नाम शब्बीर हसन ख़ान है उनसे जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती बहुत गहरी थी जोश साहब जब भी चाहते उन्हें पंडित जी के साथ मुलाकात के लिए वक्त मिल जाता था दोनों में चोटें भी चलती थीं। चोटों के माने तंज़ करना हमला करना छेड़ छाड़ कर करके बातचीत करना यानी इतनी गहरी दोस्ती थी कि उन दोनों के दरमियान में तंज भी होता था और हंसी ठट्टा भी होते थे आप न सिर्फ शौरा की सरपरस्ती करते बल्कि मुशायरों में शिरकत भी करते थे जवाहरलाल नेहरू न सिर्फ शौरा की सरपरस्ती करते तरफदारी करना बल्कि मुशायरों में शिरकत भी करते थे शिरकत के माने शामिल होना और कभी अपनी रिहायश त्रिमूर्ति में शेरी निशिस्तों का एहतमाम भी करते रिहायश गाहयामगह गा, ठहरने की जगह रहने की जगह जवाहरलाल नेहरू के ठहरने का मुकाम कौन सा था वो खयामगाह कौन सा था त्रिमूर्ति भवन वहाँ पे शेरी निशिस्तों का भी एहतमाम करते थे शेरी निशिस्त यानी शेरगोई की एक घरेलू महफिल उसका इंतजाम भी उनके यहाँ होता था 1948 सौ ईस्वी में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और बख्शी गुलाम मोहम्मद ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर श्रीनगर में एक मुशायरे का अहतमाम किया था मुशायरे का काम किया था ने? मुशायरे का इंतज़ाम किया था बखौल जगन्नाथ आज़ाद इस मुशायरे की सदारत और निज़ामत दोनों के फ़रज़ नेहरू जी ने अंजाम दी थी निज़ामत करना यानी कि नाजिम का काम कार्रवाई चलाना मुशायरे की वो कार्रवाई चला रहे थे इसके अलावा वो सदारत भी कर रहे थे फहरिस्त सामने रख कर के बाद डिगरे शायर को जहमत कलाम देते रहे जहमत कलाम देना यानी शायर को अपना कलाम सुनाने के लिए मधु करना बुलाना इस सिलसिले का एक दिलचस्प वाकया भी बयान करने से ताल्लुक़ रखता है ये वाकया कुंवर सिंह बेदी शहर अक्सर अपने दोस्तों को सुनाते थे जश्न जमहूर का मुशायरा पंडित नेहरू की सदारत में लाल किले में मनद था मनद था यानी कि इसके क्या माने हैं? ठहरना कायम होना ख़रार पाना यानी जश्न जमहूर का मुशायरा पंडित नेहरू की सदारत में लाल किले में क़ायम हुआ था वहाँ पे मनद हुआ था कुंवर महेंद्र सिंह बेदी निज़ामत कर रहे थे निज़ामत यानी मुशायरे की वो कार्रवाई चला रहे थे जोश मलिह आबादी का नाम पुकारा गया तो उन्होंने बड़े जोश खरोश के साथ अपनी नज्म मातम आज़ादी सुनाई जोश व खरोश जज्बे और वलवले के साथ अपनी नज्म मातम आज़ादी सुनाई नज़म क्या थी मुल्क की आज़ादी और हुकूमत पर बरह रास्त हमला था बरह रास्त सीधा हमला था मातम आज़ादी नज़म जो है एक तवील नज़म है इसका मुख्तसर हिस्सा आपके निसाब में शामिल है ये मुसदस की हयत में लिखी गई एक नज़म है मुसदस ऐसी नज़म होती है जिसमें छः मिसरे होते हैं और इब्तदाई चार मिसरे हम खाफिया होते हैं जबकि आखिरी के दो मिसरों में खाफिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो महात्म आज़ादी जो उन्होंने नज़म सुनाई थी उसका ये शेर देखिए खद्दर पहन पहन के बद अतवार आ गए दर पर सफ़ेद पोश सियाह कार आ गए इन इसमें नए अल्फ़ाज दिखिए खद्दर एक है और एक है बद अतवार सफ़ेद पोश सियाहकार इन अल्फाज के माने देखेंगे खद्दर के माने हैं खुरदुरा सफ़ेद देसी कपड़ा बदतवार बुरे चाल चलन का सफेद पोश सफेद कपड़े पहनने वाला शरीफ तबाह आबादी ने अपनी नज्म मातम आजादी में मुल्क की आजादी और आजादी के बाद के हालात पर और इसके अलावा हुकूमत पर सीधा हमला किया था इस शेर में जोश मलि आबादी कह रहे हैं जोश कहते हैं कि खद्दर के सफ़ेद कपड़े पहने हुए बद अतवार लोग आ गए हैं वैसे तो वो सफ़ेद पोश और शरीफ तबाह नजर आ रहे हैं लेकिन दरअसल वो सियाहकार फाजिर व फ़ासिक हैं जो मौका पाकर फ़रेब देने के लिए तैयार बैठे हैं मातम आज़ादी का अगला बंद है चलने लगी लगत पे छुरी इंतजाम की छाटी गई तमाम जो लफ्ज़ें थी काम की रहमान ही की बात चली और न राम की गुद्दी से खिंच गई जो ज़ुबान थी आवाम की वो जो तमाम रहजनों का इमाम है वो शख्स आज फिजर असलम है इस बंद के नए अल्फ़ाज क्या है देखेंगे लगत इंतकाम छांटना गुद्दी से ज़बान खींचना गुद्दी रहज़न इमाम खिजर लौत फरहंग वो किताब जिसमें हरूफ तहजी के अतबार से अल्फाज और उनके मानी दर्ज हों जिसे इंग्लिश में डिक्शनरी कहते हैं इंताम बदला छाटना, मुख्तसर करना इंताम करना अलग 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 करना गुद्दी से ज़बान खींचना ये मुहावरा है गर्दन के पीछे हिस्से से राहजन पेशवा लुटेरा डाकू ख़र रिवायतन एक पैगंबर जिनकी नस्बत मशहूर है कि उन्होंने आब हयात पिया है और वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे रहबर जोश जोशमली आबादी इस बन में कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद हुकुमरानों ने लुत पर ऐसी छुरी चलाई कि मुफीद अल्फाज को छाँट कर अलग कर दिया आज़ादी जमहूरीत मसावत हुकूक़ इंसानियत व हमदर्दी जैसे अल्फाज को लुत से छाँट कर अलग कर दिया गया है रहमान और राम की हिदायत का तस्करा नहीं हो रहा है अवाम से बोलने की आज़ादी छीन ली गई है आज़ाद राय का खात्मा कर दिया गया है अलगर्ज़ तमाम लुटेरों का इमाम ही रहनुमा बना हुआ है इसके बाद का बंद देखेंगे मातम आज़ादी का ये बंद है हुक्का मुजरिमों के हैं दामन सिए हुए सी आई डी है बाद है गफलत पिए हुए दारोगा जी हैं खौल को दिए हुए चोरों से कोतवाल है साजिश किए हुए इसके अल्फाज मानी देखेंगे इस बंद के हुकाम मुजरिम सी आई डी गफलत दारोगा खौल देना कोतवाल साजिश हुकाम के माने हैं हाकिम की जमा हुकूक हुकूमत करने वाले अफसरान मुजरिम, जुर्म करने वाला गुनहगार, सी आई डी खुफिया पुलिस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बाद गफलत गफलत की शराब गफलत का नशा दारोगा थानेदार मुहाफिज, खौल देना मुहावरा है अहद करना वादा करना कोतवाल पुलिस का वो अहदेदार जिसके मातहत अहद कई थाने हों यानी मुहाफिज साजिश किसी की मुखालफत के लिए बाहमी इत्तेफाक करना खिलाफ कानून तालमेल करना बदों बद चलन अजीज तलबा तलबात थोड़ा यहाँ पे अल्फाज के माने नीचे ऊपर हो गए हैं इस बंद में जोश कह रहे हैं कि अरबाब हुकूमत यानी सरकारी अफसरान मुजरमों को सज़ा देने के बजाय उनके जुर्म को छुपा रहे हैं उन्हें बदनामी और सज़ा से बचा रहे हैं सी आई डी अफसरान का फर्ज था कि वह जुर्म की तफ्तीश में सरगर्म रहते लेकिन वो तो गाफिल मदहोश हैं दारोगा भी बदनाम व बदचलन से उसकी हिफाजत का अहद पैमा कर चुके हैं पुलिस के आला आलादार के खिलाफ चोरों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं मातम आजादी का अगला बंद है बरतानिया के खास गुलामान खान आजाद देते थे लाठियों से जुह्बे वतन की दाद जिनकी हर एक जरब है अब तक सरों को याद वो आई सी एस अब भी हैं खुश वक़्त वो मुराद शैतान एक रात में इंसान बन गए जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए इस बन के नए अल्फाज देखेंगे गुलामान खानाजाद हुबे वतन दाद ज़रब जरबाम खानाजाद मालिक के घर पैदा होने वाला गुलाम हुब्बे वतन वतन से मोहब्बत दाद दाद के एक माने तो तारीफ के हैं और एक माने है सजा पादाश जरब वार चोट इसके अलावा और अल्फाज माने देखेंगे आईसीएस खुश वक़्त बामुराद नमक हराम आईसीएस ये बरतानिया हुकूमत में इम्पीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था बाद में इसे इंडियन सिविल सर्विस कहा जाने लगा ये हुकूमत के मातहत आला अफसरान के केहदे हैं ये खुश वक्त खुशी का जमाना खुशहाल बामुराद, मुराद हासिल किए हुए कामयाब नमक हराम ना शुक्रा इस बंद में जोशमली आबादी कह रहे हैं कि बरतानवी दौर हुकूमत में आईसीएस e. अफसरान अंग्रेज़ों के फरमाबरदार और इतात गुजार हुआ करते थे उसी गुलामी के तहत ये अफसर हिंदुस्तानियों को उनकी वतन से मोहब्बत की सज़ा लाठियों से देते थे उन लाठियों की मार का दर्द आज तक सरों को महसूस होता है ये अफसरान जिस तरह अंग्रेज़ी हुकूमत में खुशहाल थे उसी तरह आज़ादी के बाद भी कामयाब व कामरान हैं आज़ादी से कबल जो मायूब और नागवार समझे जाते थे वही आज़ादी के बाद अच्छे इंसान बन के आ गए हैं नमक हराम और गद्दार ही अब सरदार बन गए हैं इसके बाद का बंद है वहशत रवा इनाद रवा दुश्मनी रवा हलचल रवा खरोश रवा सनसनी रवा रिश्वत रवा फसाद रवा रहज़नी रवा अल्खस्सा हर वो शय के है ना करदनी रवा इंसान का लहू तो पियो इजन आम है अंगूर की शराब का पीना हराम है यहां पे एक मिसरा अलग रंग से जो लिखा हुआ है ये आपके निसाब में शामिल नहीं है लेकिन इस बंद की वजाहत के लिए इसे यहां लाया गया है नफरत घबराहट रवा जायज इनाद लड़ाई दुश्मनी कीना इनाद के माने लड़ाई दुश्मनी कीना हलचल खलबली बेखरारी खरोश शोर सनसनी सकते की हालत खौफ रहजनी डकैती लूटमार, मार नाकरदनी जो बात करने के लायक ना हो जोशमलह आबादी इस बंद में आज़ादी के बाद मुल्क के खराब हालात का जिक्र कर रहे हैं वो कहते हैं कि आज मुल्क में नफरत और दुश्मनी की आम मंजूरी हुई है हर तरफ हलचल मची हुई है शोरगुल और सनसनी फैलाना दुरुस्त ठहराया गया है रिश्वत लेना जायज़ हो गया है फसाद डाका जनी की इजाज़त मिली हुई है अलगर्ज़ हर वो काम को दुरुस्त समझा जा रहा है जिसे करने की मनाही होनी चाहिए हती के इंसान के लहू को पीने की इजाज़त है जबकि अंगूर की शराब पीने पर पाबंदी है इसके बाद ये आगे का बंद है वो ताज़ा इनलाब हुआ आग पर सवार वो सनसनाई आँच वो उड़ने लगे शरार वो गुम हुए पहाड़ वो गलता हुआ गुबार ऐ बेखबर वो आग लगी आग होशियार इस बंद के अल्फाज हैं इस बंद के हम मानी देखेंगे इनलाब शरार गलता गुबार सनसनाना इनकलाब के माने तब्दीली तगैर शरार चिंगारी गलता चक्क, चक्कर खाकर गोल चीज का हरकत में आना गुबार गर्द धूल सनसनाना खौफजदा हो जाना सरसराना इस बंद में जोशमली आबादी कह रहे हैं आजादी के बाद का यह नया इनकलाब आग पर सवार होकर आया है हर तरफ आग लगी हुई है और चिंगारियाँ उड़ रही हैं गर्द गुबार के सबब बड़े बड़े पहाड़ नज़रों से ओझल हो गए हैं गर्ज हर सु आग ही आग और गर्द गुबार फैला हुआ है जिसके सबब कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है ए बेखबर हुकुमरानों होशियार हो जाओ कि कहीं ये हालात मुल्क को तबाह ना कर दें साहब पूरे तुम त्रा के साथ नजम पढ़े जा रहे थे तुम तराह के माने शान और शौकत रौब और दबदबे से नजम पढ़े जा रहे थे मजमु बे अख्तियार होकर एक एक शेर पर बेतहाशा दाद दे रहा था जो मुशायरा सुनने आए थे वो लोग जो है एक एक शेर पर बेतहाशा बेख्तियार दाद दे रहे थे यहाँ पे दाद के माने क्या है तारीफ बेतहाशा तारीफ कर रहे थे लोग जनाब सदर पंडित नेहरू बड़े शौक से नज्म सुन रहे थे और नाजिम जलसा बेदी शहर जो दिल्ली के मजिस्ट्रेट भी थे उनकी हालत दीदनी थी नाजिम जलसा जो इस जलसे की निज़ामत कर रहे थे कार्रवाई चला चला रहे थे उनकी हालत देखने की थी वो करें भी तो क्या करें शायर को बुलाया गया अब ये शायर के इख्तियार में है कि वो अपना कलाम सुनाए किसी तरह का भी कलाम वो हो सकता है नाजिम जलसा करे भी तो क्या करे मुशायरा जब ख़त्म हुआ तो कुंवर साहब ने जोश साहब से दोस्ताना शिकायत करते हुए अजराह मिजा कहा कि जोश साहब आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन अब मेरी छुट्टी हो जाएगी दूसरे दिन नेहरू जी की तरफ से जोश साहब और कुंवर साहब के नाम फरमाइश आई कि आप दोनों आप दोनों हजरात मेरे यहाँ तशरीफ लाइए जोश साहब के नाम ये पैगाम भी था कि आपने लाल किले के मुशायरे में जो नज्म पढ़ी थी वो भी साथ लाइए कुंवर साहब कहते हैं कि अब तो बड़ी हद तक यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ होने वाला है लेकिन जोश साहब और कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब त्रिमूर्ति हाउस पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि महफिल सजी हुई है महफिल सजी हुई नहीं मजलिस सजी हुई है पंडित नेहरू के अलावा इंदिरा जी और नेहरू खानदान के बाज अराकिन और अजीज व अखारब इकट्ठे हैं अराकिन रुकन की जमा अजीज व अखारब रिश्तेदार खुरब की जमा है यानी वो रिश्तेदार उनके रिश्तेदार दोस्त अहबाब जमा थे और जोश साहब का इंतजार हो रहा था पंडित जी ने दोनों को एहतराम से बिठाया और जोश साहब से फरमाइश की कि नज़्म मातम आज़ादी इरशाद फरमाएं, इरशाद फरमाना कहने के लिए बोल रहे हैं वो जो नज़म मुशायरे में पढ़ी गई थी वो नज्म यहाँ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि ये असहाब जो कल के मुशायरे में नहीं थे नज्म सुनने के आर्ज़ुमंद हैं इस मजलिस में जो असहाब हैं जो लोग हैं वो मुशायरे में शरीक नहीं थे इसलिए वो ये नज़म सुनने के आर्ज़मंद है, है। हैं ख्वाहिशमंद हैं कुंवर साहब फरमाते हैं कि ये नक्शा देखने के बाद मेरी हैरत की इंतहा ना रही ये थे उर्दू दोस्त हिंदुस्तान के अवलिन वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनका जवाब मिलना मुश्किल है अजीज़ तलबा तलाबा अब जो है हम छोटी सी एक सरगर्मी करेंगे मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक का दूसरा हिस्सा भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एक जुमले में जवाब बोलना है अगर आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ गया है तो आपके लिए ये जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है किस शायर से नेहरू जी की दोस्ती बड़ी गहरी थी हम पढ़े हैं उनके दरमियान चोटें भी चलती थी क्या जवाब है जोश मलिह आबादी से नेहरू जी की दोस्ती बड़ी गहरी थी जश्न जमहूर का मुशायरा किसकी सदारत में लाल किले में मुनद था जश्न जमहूर का मुशायरा पंडित नेहरू की सदारत में लाल क़िले में मन्द था तीसरा सवाल है लाल किले के मुशायरे में सुनाई गई जोश की नज़म का उनवान क्या था लाल किले के मुशायरे में सुनाई गई जोश की नज़म कानवान मातम आज़ादी था चौथा सवाल है मुशायरे में नज्म सुनाने के बाद कुंवर सिंह ने जोश से क्या कहा मुशायरे में नज़्म सुनाने के बाद कुंवर सिंह ने जोश से कहा कि जोश साहब आपको तो कोई कुछ ना कहेगा लेकिन अब मेरी छुट्टी हो जाएगी हिंदुस्तान के उर्दू दोस्त पहले वजीर आजम कौन थे ये तो बिल्कुल बहुत ही आसान जवाब है हिंदुस्तान के उर्दू दोस्त पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अजीज तलबा तलबात अब दो तीन जुमलों में जवाब क्या है देखेंगे नेहरू और जोश की दोस्ती किस किस्म थी इसका जवाब दो या तीन जुमलों में बताना है जोश मलिह आबादी से जवाहरलाल नेहरू की दोस्ती बड़ी गहरी थी जोश साहब जब भी चाहते उन्हें पंडित जी के साथ मुलाकात के लिए वक्त मिल जाता दोनों में चोटें भी चलते और हंसी ठट्टा भी होते दूसरा सवाल है ये पंडित नेहरू ने जोश और महेंद्र सिंह को त्रिमूर्ति हाउस आने की दावत क्यों दी पंडित नेहरू ने जोश और महेंद्र सिंह को त्रिमूर्ति हाउस आने की दावत इसलिए दी कि वो नेहरू खानदान के बाज अराकीन और अजीज व अखारिब के सामने अपनी नज्म मातम आज़ादी सुनाएं क्योंकि ये असहाब लाल किले के मुशायरे में मौजूद नहीं थे और नज़्म सुनने के आर्ज़ुमंद थे अब इस सबक से एक तफसीली जवाब है इम्तिहान में चार नंबर के लिए तफसीली जवाब पूछे जाते हैं अब ये जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती से हम पहली क्लास में एक तफसीलीब पढ़ चुके हैं इस क्लास में भी एक तफसी जवाब है जोश की नज्म मातम आज़ादी में किस पर चोटें की गई हैं जोश मलिह आबादी नज्म मातम आज़ादी में मुल्क की आज़ादी के बाद हुकूमत पर बरह रास्त चोटें की गई हैं सफ़ेद पोश सिया रहनुमाओं के किरदार और कारगुजारी पर हमला किया गया है वो कहते हैं कि कार आमद मसाइल पर अब गुफ्तु नहीं हो रही है आवाम से अपनी राय जाहिर करने का हक़ छीन लिया गया है अफसरान और हुक्काम के ख़िलाफ़ जोरदार हमला करते हुए कहते हैं कि दारोहा और कोतवाल ही मुजरिमों की पर्दापोशी में लगे हुए हैं और चोरों के साथ साजिश में मुलविस हैं सीआईडी अफसरान अपने फ़रज़ मनसबी से गाफिल हैं बरतानवी हुकूमत में जिस तरह आई सी एस हुकामुस्तानियों को हब्ब वतन की सज़ा देते थे वो अब भी मौजूद हैं और खुशहाल हैं नाख तर्ज हुकूमत के सबब मुल्क के हालात बिगड़ चुके हैं कि हर तरफ दुश्मनी नफरत और लूट मार का दौर दौरा है मुल्क फसादात की आग में जल रहा है रिश्वतखोरी आम हो गई है अवाम उसी बेबसी की हालत में मुब्तला है जो पहले से थी अजीज तलबा तब अब मतन के हवाले से जुमले की वजाहत देखेंगे जुमला है जोश साहब आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा लेकिन अब मेरी छुट्टी हो जाएगी और क्यों कहा अजीज तलबा और तालबा इम्तहान में मतन के हवाले तीन नंबर के लिए रहता है सवाल इसमें छः बातें लिखनी होती हैं मजमून का नाम और मजमून निगा लिखना होता है किसने कहा किससे कहा कब कहा क्यों कहा अब देखेंगे हम ये जुमला कि इसकी क्या वजाहत है ये जुमला मोहम्मद रफ़ी अंसारी के मजमून जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती से लिया गया है जश्न जमहूर का मुशायरा पंडित नेहरू की सदारत में लाल किले में मन्द था कुर महेंद्र सिंह बेदी निजामत कर रहे थे इस मुशायरे में जोश ने अपनी नज़म मातम आज़ादी सुनाई जिसमें मुल्क की आज़ादी और हुकूमत पर बरह रास्त हमला था मुशायरा जब खत्म हुआ तो कुंवर साहब ने जोश साहब से दोस्ताना शिकायत करते हुए अजराहे मिजा ये जुमला कहा अजीज़ तलबा तलबात अब जमा और वाहिद के लिहाज से गैर मौजू लफ्ज की निशानदेही करना है यहाँ पे तीन अल्फाज हैं उसमें दो अल्फाज जमा हैं और एक वाहिद है पहला देखिए वाक़ियात बरसात हालात दूसरा है अलफाज आमाल एहसान तीसरा है मुहाफिल मुहाफिज मुहाफ़ चौथा है फ़राज़ हक़ जायज़ पांचवा है ख़तूत जुनून फ़ुनून छठा है जवाहर ताहिर जजायर अजीज़ तलबा तलबात पहले में देखिए वो जो तीन अल्फाज हैं वाकयात बरसात और हालात वाकयात वाक्य वाखिया की जमा है हालात हालत की जमा है बरसात वाहिद है अल्फाज लफ्ज़ की जमा है आमाल अमल की जमा है अब इस ये दो तो जमा हो गए एहसान वाहिद है मुहाफिल महफिल की जमा है मुहाफ़िल जो है ये वाहिद है ममालिक मुल्क की जमा है फ़राइज फ़र्ज की जमा हक़ाक़ जायज इसमें जायज़ जो है वाहिद है खतूत जुनून फनून खत की जमा खतूत फन की जमा फनून जुनून वाहिद है अब यहाँ पे छटे में जवाहर ताहिर जजायर इसमें ताहिर वाहिद है जौहर की जमा जवाहर, जजीरे की जमा जजायर अजीज तलबा तालबात अब हम खाएद थोड़ा सा देखेंगे खवैद का हिस्सा मानी के लिहाज से जुमले की दो किस्में हैं जुमले ख़बरिया जुमले इनशाइया अब हम जो है यहाँ पे जुमले ख़रिया किसे कहते हैं वो मालूम करेंगे नेहरू जी ने अहमदनगर की असीरी के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से उर्दू का दर्स लिया था ये एक जुमला है इस जुमले में नेहरू जी के उर्दू सीखने की ख़बर पाई गई है इस जुमले में नेहरू जी के उर्दू सीखने की खबर है दूसरा जुमला है उर्दू के मशहूर खाजी महाजीदूद स्विट्ज़रलैंड के एक नर्सिंग होम में जेर इलाज थे इस जुमले में खाजी अब्दुलुदूद के इलाज की खबर बयान की गई है तीसरा जुमला है जोश साहब पूरे तुम तुराख के साथ नज्म पढ़े जा रहे थे इस जुमले में जोश साहब के नज्म पढ़ने की कैफियत का जिक्र है तो जुमले या खबरिया किसे कहते हैं किसी कैफियत या सूरत हाल की खबर देने वाले जुमले को जुमले खबरिया कहते हैं अजीज तलबा तलबात अब यहाँ पे इस सबक का इख्तिताम होता है अब मैं आपको घर पर काम के तहत एक कुछ काम दे रही हूँ देखिए क्या है ये जवाहरलाल नेहरू के शायरों और अदीबों से खुरबत के बारे में आप क्या जानते हैं लिखिए इस सवाल का जवाब लिखकर अपने उर्दू मौलम या मलमा को बताइए इसके अलावा और एक सवाल देखिए क्या है उर्दू ज़ुबान एक मकबूल ज़ुबान है इस जबान के मकबूलीत का ये आलम है कि इसके कई अशार जुबान जद खास व आम हैं उर्दू ज़ुबान से नाव शख्स भी मौख़ा ब मौखा अशार इस्तेमाल करता है जैसे एक शेर देखिए एक मशहूर शेर है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है ऐसे मशहूर अशार अपने बयाज में नकल कीजिए और अपने उस्ताद को बताइए अजीज़ तलबा तलबात अब यहाँ पे इस सबक का अख्तितम होता है अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में रखे आप वक्त का अच्छा इस्तेमाल करते हुए तालीम जारी रखिए वालदान की खिदमत कीजिए बुज़ुर्गों की खिदमत की कीजिए वालदेन के साथ हसन सलूक कीजिए कीमती ज़िंदगी की कदर की कीजिए इस दुआ के साथ मैं असमा आलम आपसे इजाज़त चाहती हूँ असल